लालटेन छाप है इसलिए कि अमर पासवान आए हैं? नहीं नहीं नहीं, हम साथ ही हैं। चर्चा में कौन बना हुआ है? अमर पासवान, आरजेडी, तेजस्वी यादव के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। पासवान जी लोग किसके समर्थन में ज्यादा है? हम लोग आरजेडी के समर्थन में है। लालटेन छाप पर वोट देंगे, अमर बाबू के जिताएंगे। हम बेबी कुमारी के। आप बेबी कुमारी काम करी है? काम करिए निर्दलीय। राय लोग की पासवान जी के साथ बीजेपी ने घात कर दिया, चिराग पासवान का भी बंगला खाली करा दिया। कुछ कोई करे लेकिन यहाँ बेबी कुमारी का वोट पड़ेगा। अमर पासवान एकदम क्लियर है, क्लियर है एकदम। उनको रोकना कोई नहीं, किसी के हाथ में नहीं है कि हमारे पासवान कोई रोक लेगा। विखनपुर बोचहा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के हम चर्चा करने आए हैं और यहाँ पर दो तीन आपको नजर आएंगे हमारे साथ कुछ लोग। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर पासवान। तो तनी तेज बोलिएगा, रोड पर से गाड़ी सब जा रही है तो मामला गड़बड़ा सकता है। जोगिंदर पासवान। अच्छा, आज चुनाव चल रहा है ना? चुनाव तो चल ही रहा है। तो किसका मिजाज ज्यादा लग रहा है? हम किसको का है ज्यादा लग रहा है? चर्चा किसका ज्यादा हो रहा है? यहाँ नहीं कोई बतलाएगा, दिमाग ढीला आदमी नहीं यहाँ कोई बतला सकता है। दिमाग ढीला आदमी हम लोग के दिमाग? अरे सब आप ही लोगों पे राजनीति हो रहा है, गरीबी गुरबा कह के सब नेतावा जी जाता है। क्या जी गलती बोले है? जिसको मन करेगा उसी में ना देंगे। अब हम ही नहीं पूछ रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं। देखिए आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र साहब। राजेंद्र साहब, आपका नाम? हीरा साहब, हीरा पासवान। हीरा पासवान, आपका जी? शंभू पासवान। शंभू पासवान, अरे सब गरीबे गुरबा कह के नेता लोग बिल्डिंग बना लेता है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हेलो का जी, इस बार किसका चर्चा ज्यादा चल रहा है? हम लोग पैसे का चर्चा ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए ना, मुकेश सहनी को भी बीजेपी ने गचा दे दिया, इधर चिराग पासवान का भी बंगला खाली करवा दिया, तो अब पासवान जी लोग किसके साथ हैं? हम लोग कैसे बता देंगे? जैसे जो इरादा है क्या जी? वो इरादा होगा ना कि हाँ, अरे जो मन में है, जो मन में है कौन होगा जिक्रा दे देंगे? ये नहीं केकरा देंगे ये नहीं कहना है, केकरा चर्चा ज्यादा है ये कहना है। हम सब बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब की जाने हैं केकर चर्चा चलता है। उनका सब जानता है। चौकी पर राजनीति होता है ना? राजनीति क्योंकि वहाँ पर आदमी बढ़िया बनिया रहता है, आपको बतलावेगा। राजनीति ऐसे ही वोट के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वो नई के नई कन से बतिया। क्या नाम हुआ भाई? मेरा अनिल कुमार पासवान हुआ। पासवान जी लोग किसके समर्थन में ज्यादा है? हम लोग आरजेडी के समर्थन में है। लालटेन छाप पर वोट देंगे, अमर बाबू के जिताएंगे। अमर बाबू के? अमर पासवान जी हैं इस वजह से जी? नहीं, पासवान वजह से नहीं है, मुसाफिर पासवान को छवि पर हम लोग वोट देंगे। उनका क्या कहते हैं व्यवहार और समाज के प्रति के अच्छा सोच, इसके कारण हम लोग लालटेन में वोट देंगे। अच्छा, इसके कारण लालटेन का? जी 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 हाँ हाँ। क्या सर किसके समर्थन में है? हम बेबी कुमारी के। आप बेबी कुमारी काम करी हैं? काम करिए निर्दलीय में। हाँ, लोग कहता है कि वो काम ही नहीं किया है। काम बहुत, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है तो उसके साथ ही आ जाना। हमारा विश्वास है वो धोखेबाज नहीं है। अच्छा, बेबी कुमारी नहीं धोखेबाज है? सबसे ज्यादा ओकरे वोट मिलेगा बेबी कुमारी का। बेबी कुमारी का वोट है? कह रहा है लोग कि पासवान जी के साथ बीजेपी ने घात कर दिया, चिराग पासवान का भी बंगला खाली करा दिया। कुछ कोई करे लेकिन यहाँ बेबी कुमारी का वोट पड़ेगा। वोटर है बेबी कुमारी के? एकदम। अच्छा, बेबी कुमारी के साथ लड़ाई में कौन आएगा? वीआईपी आएगा कि आरजेडी आएगा? वो जाने हम लोग नहीं देते, लेकिन यहाँ वोट बेसी बेबी कुमारी को पड़ेगा। बेसी वोट बेबी कुमारी का है। अच्छा, एक तरफ बेबी कुमारी, एक तरफ आइए दो तीन लोग बाइक ले। आप लोग भी बोचहा के वोटर हैं? हम नहीं है, ये है जी जी। आप हैं बोचहा? क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस, चुनाव तो हो ही रहा है, राजनीति चरम पर है, चर्चा किसका ज्यादा चल रहा है? अमर पासवान। अमर पासवान एकदम क्लियर है, क्लियर है एकदम। उनको रोकना कोई नहीं, किसी के हाथ में नहीं है कि अमर पासवान को कोई रोक लेगा। लेकिन चाचा लोग बेबी बेबी का भी नाम ले रहे हैं, किसी से किसी को टक्कर, सबको जनता वो है, किसी को कर सकता है, किसी का टक्कर अमर पासवान से ही नहीं। वजह क्या है? इसकी वजह है कि नवयुवक हैं और काम किए हैं, उनके पिताजी भी 1 साल कार्यकाल में थे, काम किए हैं और वो और काम करेंगे। इन लोगों का कहानी खत्म है। बेबी कुमारी 5 साल थी ना, 5 साल में देखे नहीं क्या किए हैं? कुछ किए ही नहीं है। और अमर पासवान का क्लियर है, सेकंड दो नंबर की लड़ाई है। दो नंबर कौन? कुछ भी नहीं, बीजेपी लूटने के काम किया है, जनता को तोड़ने के काम किया है। किसको लूटा? जनता को लूटा है।
अच्छा, इसलिए हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट देने नहीं जा रहे, अमर पासवान को जिताएंगे, यहाँ बोचा विधानसभा में विधायक बनाएंगे। हाँ। समझे। और आरजेडी की सरकार भी आएगी, बहुत जल्द आने वाली है सरकार आएगी, काम तय है, आनी है। भूल से इस बार नीतीश कुमार जाएंगे क्या? नीतीश कुमार क्लियर है, चर्चा चल रहा है, वो सही है, दरवाजे से घुस गए हैं ना इस बार, चोरी के दरवाजे से घुसे हैं। देखिए कितना जल्दी सत्ता जाती है उनके हाथ से। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली के तैयारी में है, दिल्ली जाने के लायक है। अरे वो दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, उनका कहीं गुजारा नहीं है। उनको भेज देवे, बीजेपी तो गेम कर रही है उनके साथ भी गेम कर रही है, नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी गेम कर रही है। बीजेपी गेम कर रही है उनके साथ, जैसे चिराग के साथ हुआ, वीआईपी के साथ हुआ, वीआईपी के साथ हुआ, सबके साथ बीजेपी ने ही गेम किया एकदम पूरा। बीजेपी का चारा भी अब बिहार में, वो जो चाह रहे हैं कर ले, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। अब दाल नहीं गलेगी, कोई दाल कभी नहीं गलेगी। अब 2024 में भी बारी आएगी, केंद्र की बारी आएगी, अब नरेंद्र मोदी जी को ही मालूम चल जाएगा क्या हाल है, क्या हाल है बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार के पास विकल्प क्या है? बिहार के पास विकल्प वही है तेजस्वी यादव, इसके अलावा एकदम कोई विकल्प नहीं। चिराग भी दावा कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं। दावा करने वाले तो बहुत लोग हैं, दावा तो सब कर रहे हैं, आए और गए कि नहीं। तेजस्वी के अलावा अभी किसी के पास विकल्प नहीं है, सभी आदमी को, बिहार की जनता को, तेजस्वी को जिता। पूछ लीजिए, अभी आए हैं, हम इनसे बतिया लेते हैं तब तक। का चाचा, का मन बनाए हैं चर्चा के लिए? चर्चा किस बात की? चर्चा चुनाव की चर्चा, भोचा के वोटर है ना। विधानसभा कौन सा आता है? विधानसभा तो मेरा मीनापुर है। मीनापुर हो गया आपका? हमारा भी मीनापुर है। आपका भी मीनापुर है, सुनने के लिए रुक। आपका विधानसभा? बोचा विधानसभा। बारी तो आप ही की आ गई। ये कह रहे हैं कि चर्चा में कौन बना हुआ है? अमर पासवान आरजेडी, तेजस्वी यादव के नाम पर उनको वोट मिल रहा है, उनके तेजस्वी यादव के नाम। हाँ, उनके वजह से उनको वोट नहीं मिल रहा है, तेजस्वी यादव के नाम पर वोट बनना मिल रहा है, क्योंकि वो यंग है। अच्छा। है ना, यंग है। उनका जो वादा था 10 लाख रोजगार का, ठीक है, इसके लिए लोग मतलब उनको पसंद कर रहा है। बिहार में जो है बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में अगर आप कहीं भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहीं है तो बिहार में है। यहाँ के आदमी क्या कारण है जो दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह का आदमी यहाँ पर नहीं आएंगे तो ये सब हट जाएगा। हाँ, तेजस्वी आएगा, यंग है, यंग की बात करेगा ना भाई, ठीक है, नए आदमी की बात करेगा तो नए की तरह काम करेगा। ये लोग तो नीतीश कुमार थके मुख्यमंत्री है। हाँ बिल्कुल, थके हुए मुख्यमंत्री बिल्कुल, है ना, मतलब यही तो ठीक है। तेजस्वी यादव यंग है, हम लोग के लिए यंग के लिए यही ठीक है, यंग के लिए ये ठीक है। तेजस्वी की वजह से पासवान जी को, इनको वोट पड़ेगा अमर पासवान, अमर पासवान को 100% तेजस्वी की वजह। हाँ, तेजस्वी की वजह से उनको अपने तो अपने इनकी लड़ाई किसके साथ आप मानते हैं, बीजेपी या वीआईपी? बीजेपी वीआईपी तो नहीं। हाँ, बीजेपी है, वीआईपी के साथ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बीजेपी बीजेपी। चलिए, तो अब मानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? हाँ, हम तो बहुत दिन पहले से मानते हैं, जो नीतीश कुमार के अलावा कोई अगर यंग हो। हाँ। अगर बीजेपी से ही कोई यंग हो तो यंग की बात सोचेंगे, है ना। हाँ। अदरवाइज बेरोजगारी पर कहाँ कोई सोच रहा है, कहीं कोई नहीं सोच रहा है। बिहार में कहाँ रोजगार है, रोजगार की मैटर आप देख लीजिए, बिल्कुल जीरो है रोजगार, कहीं आदमी को जॉब नहीं मिल रहा है, है ना। कोई अगर वैकेंसी भी निकलता है तो इतना पीछे आता है, है ना, रीजन यही है। वैकेंसी आ जाया ठीक है, 2014 का अभी तक पूरा। हाँ हाँ, वैकेंसी आ जाया, वैकेंसी बहाली होगा 5 साल के बाद बहाली होगा उसका। अच्छा, इस ये देश में एक योजना होना चाहिए, अगर वोट अगर टाइम पर होता है तो बहाली टाइम पर क्यों नहीं होगा, है ना। 2 साल से बताइए, पिछले साल 2 साल से अगर सेना की बहाली नहीं हो रहा है, हम लोग का डेट एक्सपायर हो गया, एज मतलब खत्म हो गया, उम्र। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे अब, हम लोग बेरोजगार है, कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में कुछ जो कर था वो आपने लेने नहीं दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लायक थे वो आपने लेने नहीं दिया। हम लोग का सोच था जो सेना में जाए, लेकिन 2 साल से रोजगार नहीं आ रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहाली नहीं हो रहा है, हम लोग का एज खत्म हो गया, बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग। इन सब का विकल्प एक ही है कि सरकार बदले। हाँ, सरकार बदले जाए, यंग आदमी आएगा तो यंग की बात सोचेगा, यही है। चलिए, इसी मसला पे हम भी यहाँ खत्म करते हैं कि आखिरकार, आइए 2-3 लोग नीचे भी यंग ही खड़े हैं, इनसे भी जुड़ ही लेते हैं। थनी कैमरामैन तनी आगे आ गया, ये दल काजी का हाल है, इधर से कुछ बोल रहे थे, नजर पड़ा। आपकी बात वो नहीं बताएंगे, ब्याह होगा तो आप ही का होगा, वो नहीं जाएंगे। अच्छा, बोलिए, बताइए चर्चा किसका ज्यादा है? हम लोग तो आरजेडी है, लालटेन छाप है। लालटेन छाप है इसलिए कि अमर पासवान आए हैं? नहीं, हम साहू जी हैं। शुरू से लालटेन छाप, शुरू से साहू जी हैं। अरे बताइए साहू जी, जब बताइए दिए कि हम हैं, तो भैया साहू जी तो कहा जाता है कि बनिया व्यवसायी समाज जितना है सब बीजेपी को जाता है। वो जाता ही, लेकिन मेरा वोट आरजेडी का है। आरजेडी को का जी? अच्छा, आपके पति बताएंगे, आपको बताइए ना, आपसे नाराजगी है, वहाँ से भागा ही। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? भोला कुमार। भोला जी का बम बम भोला किसका होगा इधर? टक्कर वोट होगा, अगर देने जाए तो जीतेगा, वो दिया जाएगा। नहीं, वोट वोट आपका है, हमरा देना होगा तो हम ना अंदर जाके क्या देंगे नहीं देंगे, हम अपन दे देंगे ना। हाँ, हो गया। हम ही का पूछे,
आपको हम कैसे कह दें केकरा देने, हम का पूछे हैं आपसे, अगर देना होगा यही आदमी का सुर रहता है, सुरे में सब रहता है, हम पूछबे नहीं किए किसका वोट देंगे, देना होगा हम अपन वोट केकरो दे सकते, हम पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं आप, हम पूछ ही नहीं रहे हैं, क्या हमको नहीं जानना है किसको वोट देंगे, किस सुर में है, ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है पहले ही बताइए, नाम है भोला नहीं, सब छोड़िए बम भोला जी, ये बताइए कि ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ रहेगा, कहाँ है, अपना काम में है ना, कोई मोबाइल नंबर जो हुआ है हमको लगता है, है? क्या बोलिए ना, कौन मोबाइल नंबर जो हुआ है, नहीं पूछू नहीं, हम पूछे नहीं रहे थे कि कौन किसको वोट दीजिएगा, पूछे हैं जी एक बार भी, ना ना पूछे, हम तो ये पूछे कि चर्चा में कौन ज्यादा बनल है इधर, कौन है, बेबी कुमारी के इधर वोट है, बेबी कुमारी का भी है, हाँ। भाई जी आरजेडी और आप बेबी कुमारी, तो मतलब लड़ाई टक्कर की है का, हाँ टक्कर का है, टक्कर का है, हाँ, दब का कोई नहीं, दब का लड़ाई में बेबी को आप मानते हैं, एकदम ठीक है, मान के रहिए, हम भी देखते हैं क्या होता है, फिलहाल ये पूरा का पूरा समीकरण आरजेडी बनाम बीजेपी इधर का बन रहा है, विखनपुरा का यह इलाका आता है, सही बोले है ना, विखनपुरा का यह इलाका आता है, और यहाँ से ज़्यादातर अगर कहें तो अभी तक के ओपिनियन के अनुसार आरजेडी और दूसरे स्थान पर भी बीजेपी, यानी आरजेडी और बीजेपी में लड़ाई है, अब कौन बाजी मारेगा ये तो 16 तारीख को आपको बताएंगे, अब बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।